हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कनाडियन हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है दे वेट। ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है एर्नी बर्बराश ने। आईएमडीबी पर इसका रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और 88% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। एक ग्रुप ऑफ हंटर्स शिकार पर निकले है। उनका निशाना था एक भालू। उसका ही पीछा करते करते इस ग्रुप का लीडर बाकी के ग्रुप से अलग हो जाते हैं। एक पेड़ के पास जागते ही उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, एज इफ उस पेड़ को कोई अंदर से स्क्रैच कर रहा था। वो व्यक्ति जैसे उस पेड़ को छूता है, वहां से एक रेड लिक्विड जैसा कुछ निकलने लगता है और ये खून था इंसान का। इस आदमी को ऐसा फील होने लगता है वो यहाँ पर अकेला है, बिल्कुल अकेला। उसे एक बहुत ही प्यारा धुन सुनाई देता है, जैसे कोई सुरीली आवाज में गाना गा रही है कोई लड़की। मगर ये आदमी इसे सुनकर और ज्यादा डर जाता है। वो पीछे हटने लगता है और उसका पैर जाके गिरता है उसके ही बिछाए हुए जाल में, बियर ट्रैप में। वो दर्द में तड़पने लगता है, अपने दोस्तों को बुलाने लगता है, मगर शायद उसकी आवाज किसी के कान तक पहुंच ही नहीं रही थी। वो अपना पैर हिला तक नहीं पा रहा था। ऊपर से इसी वक्त उसे अपने आसपास किसी जंगली जानवर की प्रेजेंस महसूस होती है। वो बंदूक उठा लेता है, मगर ये कोई जानवर था ही नहीं, ये तो कोई शैतान था जो पलक झपकने के साथ साथ उस पर झपट पड़ता है और उस आदमी की मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे हम एक परिवार से मिलते हैं, जाई फैमिली, जो शंघाई में रहते हैं। जेसन, सैरा और उनका एक लौता बेटा सैम, जिसे घोस्ट और डीमन के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। हम उसे अपनी माँ के साथ इस बारे में डिस्कस करते हुए भी सुन पाते हैं, मगर उसकी माँ सैरा उसे इन सब बातों पर ध्यान देने से मना करती है। क्यों नो, भूत पिशाच रियलिटी में कहाँ होते हैं, ये सब तो बच्चों को डराने के लिए कहा जाता है। कल सुबह उठकर स्कूल जाना था तो सैरा अपने बेटे को जल्दी से सो जाने के लिए कहती है, मगर वो बेचारा इतना ज्यादा डर गया था कि उसे अपने टेडी को देखकर भी डर लगने लगा था। उसे घुसबम्स आने लगे थे, इसीलिए सैरा उसे अपने साथ ले जाकर सुला देती है। लेकिन उनकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती। सुबह होने से पहले ही जेसन को अपने घर से कॉल मिलता है कि उसके अंकल मिस्टर रेमंड की मौत हो चुकी है। हमने फिल्म के स्टार्टिंग में जिस आदमी को देखा था वही है रेमंड। सबको लगा उसकी मौत किसी जंगली जानवर के हमले की वजह से हुई है, असली कारण तो किसी को पता ही नहीं। तो उसी अंकल के पास जेसन की परवरिश हुई है। उनके गुजर जाने के बाद उनकी पत्नी आंट मे बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है, इसीलिए जेसन नेक्स्ट सुबह ही अपने घर के लिए रवाना हो जाता है वैंकूवर में अपने पूरे परिवार के साथ। ये जगह सैम के लिए बिल्कुल ही नई थी, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था इस नई जगह नई कल्चर को जानने में। ऊपर से अभी हंगरी घोस्ट मंथ चल रहा था। ये एक तरह की रिचुअल है जहाँ लोग मरे हुए लोगों के आत्माओं के शांति के लिए भेंट चढ़ाते हैं, खाना पैसा ये सब कुछ ऑफर करते हैं, नहीं तो अतृप्त आत्मा गुस्से में डीमन बन जाएगी और उन्हें ही खा जाएगी। ऑब्वियसली ये सब फालतू सुपरस्टिशन है, नए जमाने के लोग ये सब नहीं मानते जैसे जेसन। मगर सैम को इन सब चीजों में बड़ी दिलचस्पी थी, वो तो इनफैक्ट अंकल रेमंड के लिए भी ऑफर करना चाहता था। फाइनली वो लोग जाके पहुंचते हैं अंकल रेमंड के घर में। हम देखते हैं उनके फ्यूनरल में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सभी लोग उन्हें बोन कलेक्टर बुला रहे थे। सैरा जब अपने पति से इस बारे में पूछती है, उसे पता चलता है अंकल रेमंड एक काफी जाने माने हस्ती थे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक पावरफुल लीडर भी। उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, बहुत सारे लोगों से उनका जान पहचान था, मगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली वो बोन कलेक्ट करते थे। असल में यहाँ पर लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद अगर किसी को उनके एंसेस्ट्रल ग्रेवयार्ड में दफन नहीं किया जाता तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मगर जो लोग जीते जी बाहर जाते थे फॉरेन कंट्रीज में, उन्हें तो ये सब नसीब नहीं होता। तो मिस्टर रेमंड इन्हीं इमिग्रेंट्स की लाश को दफनाने के 7 साल बाद फिर से खोद कर बाहर निकालते थे, उन्हें प्रॉपर रिचुअल के साथ क्लेंसिंग करके एक बॉक्स में भर के उनकी अपनी जमीन पर ला के दफनाते थे। 7 साल बाद तो उन लाशों में सिर्फ हड्डियां ही बचती थी, इसीलिए उन्हें बोन कलेक्टर कहा जाता था। उस जमाने में यानी कि 40-50 साल पहले उन्होंने ही इस काम को स्टार्ट किया था, तो काफी सारे लोगों की ब्लेसिंग मिली और सपोर्ट भी। मगर अभी तो बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, तो ये काम भी बंद हो चुका है। मगर उनका नाम नहीं बदला। जेसन के लिए तो ये होम स्वीट होम था, मगर सैरा को यहाँ पर आने के बाद से ही सब कुछ बहुत वियर्ड लग रहा था। ये बड़ा सा घर जैसे भूतिया लग रहा था और सैम को तो पहले दिन ही एक अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। मिस्टर रेमंड एक रिच आदमी थे, ऊपर से शिकारी भी, तो उनके घर में बहुत सारे एनिमल कार्पेट्स, हेड्स वगैरह थे।
सैम इन चीजों से यूज्ड टू नहीं था, उसे तो देखकर ही डर लग रहा था। मगर सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि उसे भी वही गाना सुनाई देने लगता है, वही सुरीली आवाज जिसे मिस्टर रेमंड ने सुना था मरते वक्त। सैम इस आवाज को फॉलो करता है और इस घर के बेसमेंट में जा पहुंचता है, मगर ये दरवाजा तो बंद था। वो बिल्कुल श्योर था ये आवाज अंदर से ही आ रही है, मगर वो ज्यादा कुछ कर पाई इससे पहले ही वहाँ एक आदमी आकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। ये अंकल जेंग था, रेमंड का दोस्त और पार्टनर इन क्राइम। इससे पहले वो लोग कभी नहीं मिले, तो उनके बर्ताव से सैम थोड़ा सा डर जाता है। तो सैम को लेकर सैरा निकल पड़ती है अपने दवाई के खोज में, क्योंकि उसका सर दर्द करने लगा था। ये सैरा का अपना शहर है। शंघाई जाने से पहले सैरा यहीं पर तो रहती थी, एक रिपोर्टर थी, तो खो जाने का डर भी नहीं। वो अपने माइग्रेन के लिए एक फर्म से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसी वक्त उसके साथ मुलाकात होती है उसके पुराने दोस्त की। वो लोग एक साथ काम किया करते थे। जब सैरा उस आदमी से बात कर रही थी, सैम को दूर एक आदमी दिखता है जो उन ऑफरिंग्स में से खा रहा था। सैम को अजीब लगता है क्योंकि कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा था, मगर जैसे ही वो अपना चेहरा घुमाता है सैम तो डर ही जाता है। इसका आधा चेहरा ही गायब था। सैरा ये सब नोटिस नहीं करती। वो अपने दोस्त को अलविदा कह के एक मेडिसिन शॉप में जाती है दवाई लेने। वहाँ पर जो आदमी था वो सैम को बुलाकर खुद से ही हंगरी होस्ट रिचुअल के बारे में बताने लगता है, और कुछ देर बाद वो खुद एक पिशाच बनकर उस पर हमला कर देता है। सैम कुछ समझ ही नहीं पा रहा था यह सब क्या हो रहा है, लेकिन असली बात तो ये है सैम के पास आत्माओं को देखने की स्पेशल पावर थी। आज सुबह से वो आत्माओं को ही तो देख रहा था, और उसे ये शक्ति अपने माँ सैरा से मिली है। इस दुकान से निकलने से पहले उन्हें इस दुकान का असली मालिक मिलता है, जो भी उनके तरह ही सेंसिटिव थी। सैम को देखकर वो समझ चुका था वो उनके जैसा ही है। उन्हें भी ये फील हो रहा था कि इन लोगों को बहुत जल्द उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, तो वो सैरा को कहते हैं अगर कभी कोई जरूरत पड़ी तो मुझसे आके मिलना। तब तो सैरा समझ नहीं पाई इसका क्या मतलब है, मगर इसके बाद से ही उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब होने लगता है। डिनर टेबल पे उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था उसके प्लेट पर खाना हिल रहा है। उसे इतनी घिन आती है वो तो खा ही नहीं पाती कुछ। उसी रात सैम की नींद भी अचानक से ही टूट जाती है। उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। सैम बिस्तर से उठकर दबे पांव बाहर जाता है, और बाहर एक लड़की थी जिसके दोनों हाथ काले रंग के थे। वो सैम को इशारे में उसे फॉलो करने के लिए कहती है। सैम उसके पीछे पीछे बेसमेंट के उसी दरवाजे के सामने जाकर पहुंचता है, मगर इस बार यह दरवाजा खुला था। उसके अंदर जाते ही सारे लाइट्स ऑन हो जाती है और हम देखते हैं ये तो एक अबैंडन्ड फैक्ट्री है। ये लड़की सैम को एक बॉक्स उठाकर देती है। ये बॉक्स देखने में एक ग्रेव बॉक्स लग रहा था, जिनमें अंकल रेमंड बोन्स ट्रांसफर किया करते थे। इसे देखकर ही वो लड़की गायब हो जाती है। सैम इस बॉक्स को खोलता है, अंदर उसकी टेडी थी जिसके हाथ से खून बह रहा था। सैम तो डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की एक भयानक रूप में उस पर हमला कर देती है। उसे देखकर सैम इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके आवाज से सैरा की नींद टूट जाती है। वो बेसमेंट में जाके अपने बेटे को ऊपर ले जाती है। उसे लगा सैम स्लीप वॉकिंग कर रहा था, तो वो उसे सुलाने की कोशिश करती है, मगर सैम बार बार कह रहा था कि वो अभी सो नहीं सकता, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। उस रात के बाद से ही सैम की तबीयत खराब होने लगती है। वो बेहोश था, उसे बुखार था, और उसका सेंस लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच जेसन को भी काम के सिलसिले में शंघाई वापस जाना पड़ता है। घर में रह जाती है सिर्फ आंट मे और सैरा। अब ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, मगर फिर भी सैरा यहाँ पर रह जाती है सिर्फ उन्हें कंपनी देने के लिए। जेसन को सी ऑफ करने के बाद सैरा को रास्ते के दूसरी तरफ एक बहुत ही अजीब लड़की दिखती है जो सिर्फ उसे ही देख रही थी। ये पिछली रात वाली वही लड़की थी जो बिल्कुल स्टैचू की तरह उनके घर के सामने खड़ी थी। सैरा को अजीब तो लगता है, मगर सारी रात जागने के कारण उसे थकान भी बहुत हो रहा था, इसीलिए वो नहाने चली जाती है। तब तक आंट में सैम के पास बैठेंगी, मगर जैसे ही वो कमरे में घुसती है सारी चीजें हिलने लगती है अपने आप, जैसे भूकंप आ गया हो। सैम भी बिल्कुल अचानक से बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। वो चाइनीज में बात कर रहा था जो उसने कभी सीखा ही नहीं, और वो आंट में से कहता है तुम एक झूठी औरत हो जो सबके साथ साथ अपने आप से भी झूठ कह रही हो, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। ये कहकर ही सैम फिर से बेहोश हो जाता है। आंट मे के चेहरे पर डर का साया बिल्कुल विजिबल था, मगर वो सैरा से कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। उधर बाथरूम में सैरा को ऐसा लगता है कर्टिन के उस पार कोई है। ये वही लड़की थी, मगर इस बार उसके माथे पर हमें एक गहरा घाव नजर आता है।
सैरा उसे तो देख नहीं पाती, मगर एक मोमेंट के लिए उसे अपने माथे से खून निकलता हुआ दिखता है। ये एक हेलुसिनेशन था। वो जैसे ही बाहर भागने की कोशिश करती है, बाहर उसे सैम मिलता है। उसका शरीर बुखार में तड़प रहा था और उसके दोनों हाथ काले हो चुके थे, बिल्कुल उस लड़की की तरह। सैम अपने माँ के गोद में बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी कंडीशन सीरियस थी, उसे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया जाता है। डॉक्टर्स कोशिश तो कर रहे थे, बहुत बहुत सारे टेस्ट भी किया जाता है, मगर ना उसका होश लौट रहा था, ना डॉक्टर समझ पा रहे थे उसे आखिर हुआ क्या है। उसके हार्ट बीट्स बहुत एबनॉर्मल आ रहे थे और उसके हाथ का कलर भी चेंज नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स का कहना था ये किसी तरह की डाई या फिर टॉक्सिक एलिमेंट है, मगर उस बेसमेंट में ऐसा कुछ तो था ही नहीं। रात से लेकर सुबह हो चुकी थी, मगर सैम की कंडीशन वैसी की वैसी ही रह गई। एक मोमेंट पर तो सैरा को ऐसा लगा कि वो लड़की उसके बेटे के पास खड़ी है। उसके माथे पर भी बिल्कुल उस लड़की की तरह खून बह रहा था और उसके ब्लड बैग्स में काले रंग का लिक्विड भरने लगा था। सैरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, नर्स को बुलाती है, मगर उनके आने के साथ साथ ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सैरा समझ चुकी थी कुछ तो गड़बड़ है, ये सब कुछ जो वो देख रही है इस सब का कुछ तो मतलब है और सैम के हालत के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है जो ये डॉक्टर्स समझ नहीं सकते, तो वो खुद ही इसका जवाब ढूंढने निकल पड़ती है। उस रात सैम के पास उसे जो बॉक्स मिला था वो उसे लेकर उस दुकान मालिक के पास जाती है। वो समझ चुकी थी उस आदमी को कुछ तो पता है। उसे पता था सैरा को उसकी मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी, इसी दिन के बारे में ही तो वो उन्हें वार्न कर रहा था। ये आदमी असल में एक साइकिक है जो आत्माओं को भी देख सकता है और आने वाले दिनों के बारे में भी उसे पहले से ही भनक लग जाती है उसके सपनों में। उसने करीबन एक साल पहले एक सपने में सैम को देखा था उसी लड़की के साथ। इस लड़की का हाथ सैम के सीने पर था, जैसे वो उसके हर्ट को जकड़ने की कोशिश कर रही है। ये श्योरली एक वार्निंग साइन था, ये लड़की सैम को मारना चाहती है। ये आदमी इस बॉक्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। इस पर किसी शेन लू का नाम लिखा हुआ था जो सिर्फ 17 साल की थी जब उसकी मौत हुई थी। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि ये शेन लू की आत्मा ही सैम को हॉन्ट कर रही है, मगर क्यों? इसका जवाब भी ये आदमी ही गैस करता है। अगर ये शेन लू की ग्रिफ बॉक्स है तो उसके बोन्स कहाँ है? जरूर उसके बोन्स को प्रॉपर तरीके से दफनाया नहीं गया या फिर दफनाया ही नहीं गया, इसीलिए वो नाराज है। सैरा को उसकी हड्डियां ढूंढ निकालनी होगी, वो भी जल्द, क्योंकि ज्यादा दिनों तक एक बच्चे की आत्मा ये सब सहन नहीं कर सकती। सैरा घर लौट आती है और आंट मे से पूछती है उसके फैक्ट्री में इस नाम से कोई लड़की काम करती थी या नहीं, मगर ना आंट मे को याद था ना उनके पास कोई रिकॉर्ड था इन वर्कर्स के बारे में। 50 साल पहले की बात है, अभी तो वो फैक्ट्री भी बंद हो चुकी है, मगर सैरा ने तो आज ही देखा है उस बेसमेंट में कुछ बॉक्स को शिफ्ट किया जा रहा है, मगर पता चलता है वो सब अंकल जेंग का सामान है। आंट मई सैरा को किसी भी हालत में नीचे जाने नहीं दे सकती थी, उस दरवाजे पर भी ताला पड़ चुका था और उनके पास 50 साल पहले की कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं थी, मगर सैरा को तो शेन लू के बारे में जानना ही होगा, तो वो अपने उस कलीग की मदद लेती है, ढूंढ निकालती है इस फैमिली की डार्क हिस्ट्री को जो आंट मई और अंकल जेंग छुपाना चाहते थे। उसे पता चलता है 1940 में जाई फैमिली की एक गवर्नमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी, वहां पर बहुत सारे लड़कियां भी काम करती थी, मगर वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स थे। उन्हें चाइना से यहाँ पर इसीलिए लाया जाता था जिससे इस फैक्ट्री में कम पैसों के बदले में उनसे ज्यादा देर तक काम करवाया जा सके। ना उनके पास कोई पेपर था, ना उन्हें पेचेक मिलता था। इट वॉज एक्चुअली अ स्वेट शॉप, मगर इस फैक्ट्री से भी ज्यादा फेमस थी उनकी शिपिंग कंपनी। वो कई बार खबर में आ चुकी थी, उनके अगेंस्ट स्मगलिंग चार्जेस लगाए गए थी, मगर कोई सबूत नहीं मिला। सैरा के इस दोस्त ने इस केस पर कुछ साल पहले ही रिसर्च किया था, इसीलिए उन्हें कुछ अंदर की बात पता चली है। जाई इंपोर्ट एनिमल पार्ट्स स्मगल करते थे, स्पेशली बियर पॉज। चाइना में बियर पॉज की बहुत डिमांड है, वो लोग सूप में डालते हैं। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली कहा जाता है वो लोग बियर बाइल भी सप्लाई करते थे, बाइल यानी कि उनके गॉल ब्लडर के अंदर का लिक्विड। इसे डायरेक्टली उनके पेट से साइफॉन प्रोसेस में बाहर निकाला जाता था। बाकी दुनिया के लिए ये बहुत ही घिनौनी चीज हो सकती है, प्रोसेस भी काफी घिनौना था, मगर चाइनीज लोग इससे दवाई बनाते हैं। ये सब कुछ इलीगल है यहाँ पर, मगर इसके बदले में पेमेंट भी काफी हाई था और माना जाता था मिस्टर रेमंड यही सब किया करते थे। सैरा बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी थी, वो ये सब जानकर क्या करेगी? उसे तो शेन लू के लाश को ढूंढना है, मगर वो इससे ज्यादा कुछ जान पाई इससे पहले ही उसे हॉस्पिटल से कॉल मिलता है, सैम की हालत खराब हो रही है, उसे इमीडिएटली सर्जरी के लिए ले जाना होगा, उसका हार्ट फेल कर रहा है। सैरा भागकर हॉस्पिटल में जा पहुंचती है। केबिन में जाने से पहले ही कॉरिडोर में उसे अपना बेटा दिखता है,
साथ में वो लड़की भी, और उसका हाथ उसके हार्ट पर था, बिल्कुल उस केज की तरह जिसे उस आदमी ने सपने में देखा था। सैरा समझ तो पा रही थी समय बहुत कम है, उसे कुछ ना कुछ करना होगा बहुत जल्दी, मगर वो करेगी क्या? उस आदमी को भी शायद कुछ फील होने लगा था, इसीलिए वो खुद सैरा से मिलने आया था इसी हॉस्पिटल में। बात ये है, इस हंगरी घोस्ट मंथ में स्पिरिट्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मगर कल सुबह इस महीने का एंड होने वाला है। कल दूसरी दुनिया का दरवाजा फिर से एक साल के लिए बंद होने वाला है। सैम जिस हालत में है वो और सरवाइव नहीं कर पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए वो उस दुनिया में फंस जाएगा। उसे शेन लू अपने साथ ले जाएगी अगर सैरा ने अभी कुछ नहीं किया तो। अभी डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना है सैरा को ही करना होगा। ये आदमी उसे एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं, एक खतरनाक रिचुअल परफॉर्म करना होगा उसे, उसे दूसरी दुनिया में जाकर अपने बेटे को बचाना होगा। मगर अगर वो कल सुबह होने से पहले लौट नहीं पाई या फिर उस दुनिया के लोगों को अपने ऊपर हावी होने दिया तो वो मरने वाली है। सैरा के पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं था तो वो राजी हो जाती है और ये प्रोसेस शुरू होता है। ये आदमी सैरा के हाथ काट कर उसके खून से एक कपड़े पर मंत्र लिखते हैं, यही होने वाला है सैरा का प्रोटेक्टर। उसे एक बॉक्स में कुछ सामान दिया जाता है जिसे लेकर वो उस बेसमेंट के सामने जाकर पहुंचती है। इसके अंदर था एक ऑरेंज, गार्डियन स्पिरिट को भेंट देने के लिए, जिससे उसे इस दुनिया में एंट्री मिले। नेक्स्ट था एक ड्रम, उसे बजाना होगा। और फाइनली एक पॉइजन भरा इंजेक्शन, इसे इंजेक्ट करके ही सैरा जीवन और मृत्यु के बॉर्डर लाइन तक पहुंच जाएगी, उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो पाएगी। सैरा वैसा ही करती है, वो गार्जियन स्पिरिट जेसन के रूप में आकर उसे वहां से हटाने की कोशिश करती है, मगर सैरा उसे पहचान लेती है, उसे वो ऑरेंज देती है, वो ड्रम बजाती है और खुद को इंजेक्ट करके पहुंच जाती है शेन लू के दुनिया में 1949 में। हम देखते हैं ये बेसमेंट तभी फुल्ली वर्किंग थी, शेन लू बाकी इमिग्रेंट्स वर्कर के साथ यहीं पर काम करती थी और वो वहीं गाना गाती थी काम करते वक्त। उसका काम था मेनली कपड़ों पर डाई करना, तो उसे पूरा दिन ही इस टॉक्सिक डाई को अपने हाथ पर लगाना पड़ता था, इसीलिए उसके हाथ ही काले रंग के हो गए थे। वो सैरा को भी इस डाई के अंदर हाथ डालने के लिए कहती है। सैरा जैसे ही ऐसा करती है शेन लू उसके अंदर घुस जाती है और उसके नजर से सैरा को दिखाने लगती है उस दिन उसके साथ आखिर क्या हुआ था। हम अंकल रेमंड से मिलते हैं, उनका यंगर वर्जन। हमें पता चलता है शेन लू के साथ उनका अफेयर चल रहा था। एक दिन शेन लू जब काम कर रही थी तो उसे रेमंड को देखकर शक होता है, वो उसका पीछा करती है और एक सीक्रेट कमरे में जाकर पहुंचती है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसने इस फैमिली का राज जान लिया था। वो देखती है रेमंड मे और उनका दोस्त जेंग बोन कलेक्शन के नाम पे लोगों को चीट कर रहे थे। वो लोग उन ग्रेव बॉक्स में लोगों की हड्डियां तो उठाकर लाते थे, मगर वो हड्डियां चाइना तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें इसी फैक्ट्री में लाके फेंक दिया जाता था और उनके बदले में उन ग्रेव बॉक्सेस में ये लोग बियर पॉस और बियर बाइल सप्लाई किया करते थे। उसी रूम में मैं अपने हाथों से बियर पॉस को काट रही थी, एक डॉक्टर उसके बाइल को निकाल रहे थे। शेन लू सब कुछ देखकर इतना हैरान हो चुकी थी कि वो वहां से भागना ही भूल गई। एंड एज द रिजल्ट अंकल जेंग ने उसे देख लिया, उसे सबके सामने ले गया। अंकल रेमंड फिर भी उसे छोड़ना चाहते थे, मगर आंट मे इस मौके को गवाना नहीं चाहती थी, उसे पता था उनके अफेयर के बारे में, इसीलिए वो यहीं पर उस चॉपर से शेन लू का खून कर देती है। उसकी लाश वहीं रह जाती है उसी फैक्ट्री में। सैरा का काम पूरा हो चुका था तो वो इस दुनिया में लौट आती है। तब तक जेसन भी आ चुका था और उसे सैरा बेसमेंट के बाहर मिली थी। उसे देखकर सबको लगा कि शायद वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, तो उसे हॉस्पिटलाइज की जाती है। मगर सैरा को अभी पता चल चुका था उसे क्या करना है, वो जेसन को भी समझाती है। उधर डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। सैम के पास अभी और कुछ घंटे का ही वक्त है तो जेसन लास्ट ट्राई करने की डिसाइड करता है। वो और सैरा जाकर पहुंचते हैं उस बेसमेंट में और देखते हैं उस बेसमेंट के एक कोने में अंकल जेंग अभी भी अपना इलीगल बिजनेस चला रहे हैं। बिल्कुल पहले की तरह वो लोग अभी भी भालू के पेट से लिक्विड निकाल रहे थे और उसके पॉज को काट कर बक्से में भर रहे थे। एक्चुअली इसी भालू को शिकार करते वक्त तो रेमंड की मौत हुई है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला। मगर वो कमरा कहाँ गया, वहां तो इन लोगों ने एक दीवार बना दिया था। सैरा उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है, वो तो नहीं कर पाती, मगर उसके अंदर से ही एक अनसीन फोर्स उसकी मदद करती है। ये दीवार जैसे अपने आप ही टूट कर गिर जाता है और अंदर से हड्डियां ऐसे निकालने लगती है जैसे नदी में बाढ़ आ चुका हो। उनके सामने धीरे धीरे हड्डियों का पहाड़ बनने लगा था, मतलब उन्होंने कभी भी किसी भी लाश को दफनाया ही नहीं। पिछले 50 साल से वो लोग यही सब कर रहे हैं।
सैरा और जेसन के सामने ही इन्हीं हड्डियों में से एक हाथ निकलकर अंकल जेंग और उस डॉक्टर को अंदर खींच लेता है उनका कीमा बनाने। उधर घर में आंट मे के मुंह से भी हड्डियां निकलने लगी थी, उसका भी वक्त होने को है। जेंग की हालत देखकर सैरा तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अचानक से वो सारी आत्माएं उनके सामने आ जाती है। उन्हें यहाँ से निकलना था, उन्हें यहाँ से आजाद होना था, घर जाना था। सालों से वो लोग इस दीवार के पीछे कैद थे और इन्हीं में से एक थी शेन लू। सालों से तो वो लोग इसी दिन का वेट कर रहे थे। सैरा इन सभी को घर भेजने की प्रॉमिस करती है और बदले में उसे उसका बेटा वापस मिल जाता है। वो जेसन के साथ हॉस्पिटल भागती है और वहां उसके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज वेट कर रही थी। सैम बिल्कुल ठीक हो चुका था, बिल्कुल अचानक से ही, इट्स अ मिरेकल। मगर ये तो होना ही था, शेन लू ने उसके ऊपर से अपना हाथ जो उठा लिया था, अभी वो बिल्कुल ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर सैरा को अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। फिल्म के एंडिंग में हमें आंट मे की लाश दिखती है। वो खुद भी एक स्केलेटन यानी कि कंकाल बन चुकी थी, बिल्कुल शेन लू की तरह। मतलब जाते जाते शेन लू ने अपना बदला पूरा कर ही लिया। अंकल रेमंड को तो उसने पहले ही खत्म कर दिया था, अभी आंट मे को भी। हैप्पी एंडिंग। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। टाटा।